सब्सक्राइब करिए BK24 स्टडी जोन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों आज के इस क्विज में हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसमें से 22 नंबर आपको कम से कम लाने होंगे अगर आप इस क्विज में पास होना चाहते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है यानी कि टोटल 26 क्वेश्चन हो जाएंगे इस क्विज में, तो 22 क्वेश्चन अगर आप इसमें ले आते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन ज़बरदस्त चल रही है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक लेवल के हैं, मतलब टफ तो इसको मैं बोल ही नहीं सकता। तो अगर आपके 22 नंबर तो आने ही चाहिए इस क्विज में, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कह सकते हैं ना कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अमूमन हर एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। शुरुआत करते हैं, लेंगे अपना पहला क्वेश्चन। आप इस वीडियो पे लाइक का बटन होता है उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मुझे पता चलना चाहिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो। मुझे इस चीज़ को कैसे पता चलेगा अगर आप लाइक का बटन नहीं दबाएंगे तो। शुरुआत करते हैं, लेंगे अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के पूर्वीय तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कोंकण तटीय मैदान, ऑप्शन बी है गुजरात मैदान, ऑप्शन सी है कोरोमंडल तटीय मैदान, ऑप्शन डी है मालाबार तटीय मैदान। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में ये पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है आप लोगों ने दे दिया होगा, इसका जो सही आंसर है वो कोरोमंडल तटीय मैदान। अगर आपने ये सही दिया है तो इसका मतलब आपको ये एक नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, मैं जो बोल चुका हूँ कि 22 नंबर आपको कम से कम यहाँ पर लाने होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो हमको बताना है कि सबसे ज़्यादा समुद्र तटीय सीमा किसकी है, ठीक है? इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में स्थित सबसे दक्षिणी छोर का नाम बताना है हमको। ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है कैप कैमोरिन, ऑप्शन डी है रामेश्वरम। तो आप लोगों ने अपना सही आंसर दे दिया होगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी है पिक चैनल, ऑप्शन डी है इंडियाना चैनल। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 5th वाला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन आसान है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 6। तो आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 8। 6th है, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी है विंध्याचल, ऑप्शन सी है अरावली, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इसका जो सही आंसर है वो है अरावली। 7th है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है अगर मैं सीधे बोलूँ? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है पांडुचेरी, ऑप्शन सी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा, इसका जो सही आंसर है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 8th है, सागर माथा के नाम से मशहूर चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है नमचा भरवा, ऑप्शन सी है नंदा देवी, ऑप्शन डी है कंचनजंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जैसा कि सभी को पता होगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर इसकी ऊँचाई है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9th है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है अनाई मुडी, ऑप्शन बी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी है स्वर्णम पर्वत, ऑप्शन डी है कैलजी गिरी। तो आप लोगों ने अपना सही आंसर दे दिया होगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अनाई मुडी। 10th है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है? ऑप्शन ए है भागड़ा बांध से, ऑप्शन सी है हरिके बांध से, ऑप्शन सी है पोंग बांध से, ऑप्शन डी है उकाई बांध से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हरिके बांध से। 11th है, भागड़ नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए है कोसी नदी, ऑप्शन बी है झेलम नदी, ऑप्शन सी है व्यास नदी, ऑप्शन डी है सतलज नदी। तो ये मैं पहले भी दे चुका हूँ, आप लोग इसका आंसर आसानी से बता देंगे, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी सतलज नदी। 12th है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए है 35%, ऑप्शन बी है 45%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 28%। तो आप लोगों ने अपना सही आंसर दे दिया होगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 35%। 13th है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है यमुना। तो आप लोगों ने अपना सही आंसर दे दिया होगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कावेरी।
चौदवा है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है असम। तो आप लोगों ने अपना सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 15 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है बाघ के लिए, ऑप्शन बी है हाथी के लिए, ऑप्शन सी है गेंडे के लिए, ऑप्शन डी है मोनाल संरक्षण के लिए। तो आप लोगों ने अपना सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी गेंडे के लिए। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में पड़ता है। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और ये करीब 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है यूनेस्को की तरफ से। ठीक है, 16 है भारत में स्थित कैबुल जामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान है स्थित है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मणिपुर। जो कैबुल जामजाओ है ये मणिपुर में स्थित है, मणिपुर के विष्णुपुर जिला है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये स्थित है। करीब 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है भारत में जो स्थित है अभी। 17 है इसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है बंगलुरु, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो आप लोगों ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है बंगलुरु। 18 है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है दार्जिलिंग में हुई थी, ऑप्शन बी है टेहरी में, ऑप्शन सी है शिव समुद्रम, ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो हमको बताना है कि जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र लगा था वो कहाँ पर लगा। तो आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है दार्जिलिंग। 19 है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। ऑप्शन ए है जल विद्युत, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी है ताप ऊर्जा। तो आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ताप ऊर्जा। 20 है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी। ऑप्शन ए है वुलर झील, ऑप्शन बी है गोविंद सागर झील, ऑप्शन सी है बैकाल झील, ऑप्शन डी है नेहरू झील। तो ये क्वेश्चन भी आसान है। इसका जो सही आंसर है वो है गोविंद सागर झील। 21वां क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है सरसों। तो आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गेहूँ। 22वां क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी राजस्थान। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। इसका जो सही जवाब है वो है असम। 24वां है पश्चिम में स्थित केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है मालाबार तट, ऑप्शन बी है कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी है कोंकण तट, ऑप्शन डी है पश्चिमी तट। तो आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मालाबार तट। 25वां है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है महानदी। तो हमको बताना है कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है गोदावरी। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट देश कौन, देश का नाम क्या है। 4 ऑप्शन हैं, आपको जो भी सही लगे वो मुझे बता दीजिए। अगर आपका आंसर गलत होता है तो मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। सबके रिप्लाई ना कर सकूं तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं किसी ना किसी के रिप्लाई करता ही रहता हूं। अब नहीं तो मैं आंसर को जो है पिन कर दूंगा सबसे ऊपर, तो आप अपना आंसर वहां से मैच कर लीजिएगा। तो आप मुझे बताइए आपको इन 25 में से आपको कितने नंबर मिले। कम से कम 22 नंबर मैंने कहा था, तो 22 नंबर आपको मिले या नहीं मिले आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगली जो क्विज़ है वो थोड़ा सा हार्ड होने वाली है, तो हम बहुत जल्दी मिलते हैं उस क्विज़ के साथ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।